नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन कैसे करना है। उसके लिए आपको ifms.rajasthan.gov.in/ifmssso से लॉगिन करना होगा। ये URL यूज करके आपको इस पेज पर आना है और आपको यहाँ पर IFMS 3.0 बटन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने इस तरह से राजस्थान सिंगल साइन ऑन वाला साइट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने SSO ID लॉगिन पासवर्ड से एंटर करना है और आपको सिस्टम में एंटर होना है। आप इस तरह से अपने सिस्टम में अपने यूजर ID पासवर्ड को एंटर कीजिएगा। तो आपके पास ये दो टाइल्स आपके सिस्टम पर आ जाएंगे, एक्सेस वर्कस्पेस एंड एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। जितने भी एक्शन आपको अपने खुद के लिए लेने हैं, जैसे कि आपको अपनी सैलरी स्लिप देखनी है या अपने आपने कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट किया था उसका प्रोसीजर देखना है, तो आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पर क्लिक करना है। ये आपको पूरे इंफॉर्मेशन बताएगा आपके बारे में। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे एम्प्लॉय के लिए काम करना है, उनके लिए कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी है या जो रिक्वेस्ट इनिशिएट हो चुकी हैं उनके लिए कोई एक्शन लेना है, तो आपको एक्सेस वर्कस्पेस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर फर्स्ट रो में आपको दिखाई देंगे डेस्क। जो डेस्क हैं वो मेंशन कर रहे हैं कि आप किस ऑफिस से मैप्ड हैं, और सेकेंड रो में है आपके पास रोल्स कि उस पर्टिकुलर ऑफिस में जिसमें आपकी मैपिंग है वहाँ पर आप कौन से रोल पर असाइंड हैं। जैसे HOD हैं, HO हैं, एडमिन हैं, स्टाफ हैं, DDO हैं, वो सब आपको यहाँ पर इस सेकेंड रो में नज़र आएगा। तो अभी जब हम लोगों को एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर काम करना है तो आपको HO से ही सिस्टम में लॉगिन करना है और आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करके सिस्टम में एंटर करना है। एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के लिए आपको HO अप्रूवर के रोल से ही करना है। आप एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ से एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको डिफरेंट टैब्स नज़र आ रहे होंगे। इनमें से कुछ अभी प्रोडक्शन पर आपको आपके सिस्टम पर नज़र आएंगे और कुछ अभी इन प्रोसेस हैं। जैसे ही वो लाइव होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट है पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पर देखिए जब आप इन टैब्स पर क्लिक करते हैं तो जैसे हमने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आपको दिखाया था, ये सभी वही टैब्स हैं जो 6 टैब्स हमने आपको बताए थे जिनको आपको एंटर करना होता है और सबमिट करना होता है पूरे फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है या अपडेट करना है तो आप इस तरह से डिफरेंट टैब को यूज करके एक एक करके भी इन टैब्स पर एंटर कर सकते हैं और उस एम्प्लॉय की डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये एम्प्लॉय हैं, इस एम्प्लॉय पर जब आप उनकी आईडी पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये डिटेल्स ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर उनकी बेसिक डिटेल्स आपको इस तरह से दिखाई देंगे और जो भी उनकी सैलरी के अलाउंस और डिडक्शन डिटेल्स होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। तो आपकी नेट सैलरी जो उस एम्प्लॉय की होगी वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगी। अगर आपको उनकी डिटेल्स में कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो आपको मॉडिफाई बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जितने भी डिटेल्स दिए गए हैं इन रिलेशन विद एम्प्लॉय की पर्सनल डिटेल्स वो आपको सभी यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर अपडेट करने होंगे, उसका डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से एंटर करना होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप ये सारे डिटेल्स को कम्प्लीटली फिल कर लेते हैं, आपके पास देखिए यहाँ पर अपडेट पर्सनल डिटेल्स वाला जो अभी बटन डीएक्टिवेटेड है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, ब्लू कलर का आ जाएगा। जैसे ही आप उसको अपडेट पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो वो आपके डिटेल्स सारे मॉडिफाई हो जाएंगे। सेम सर्विस डिटेल्स के लिए भी है। हर टैब पर आप एम्प्लॉय की लिस्ट को सर्च कर सकते हैं। अगर आप ऑल कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आइटम पर पेज पर आप जाएंगे तो 100 मैक्सिमम रिकॉर्ड्स आपको एक ही पेज पर व्यू हो जाएंगे। आप बाय नेम भी एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं, बाय एम्प्लॉय आईडी और बाय ग्रुप भी आप उस एम्प्लॉय को सर्च कर सकते हैं। आप उनकी डिटेल्स को मॉडिफाई करने के लिए मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी सर्विस डिटेल्स हैं आपको मॉडिफाई करनी है आप वो मॉडिफाई कर दीजिएगा और अपडेट सर्विस डिटेल्स बटन सेम वैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा। जब आप ये सारी डिटेल्स अपडेट करेंगे तो आप उसको प्लीज सक्सेसफुली अपडेट कर सकते हैं वहां से।
नेक्स्ट हमारे पास होता है बैंक डिटेल्स का। यहाँ से आप एम्प्लॉय के बैंक डिटेल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें उनकी सैलरी जाने वाली है, जिसमें उनकी सैलरी डिसबर्स होगी हर मंथ के लिए। तो यहाँ से देखिए, आप जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ इस टैब में सारी डिटेल्स जो हैं वो अपडेटेड हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए ब्लू कलर में आ रहा है अपडेट बैंक डिटेल्स। यहाँ पर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो आप इस तरह से डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर टाइप कीजिएगा और उसके बाद यहाँ से उनकी डिटेल्स को अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको अपडेट बैंक डिटेल्स पर क्लिक करना है और डेटा सेव सक्सेसफुली का एक सक्सेसफुल मैसेज आपके पास यहाँ पर व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है पे एंटाइटलमेंट डिटेल वाला टैब। यहाँ से अगर आपको किसी एम्प्लॉय के पे एंटाइटलमेंट्स पर चेंजेस करने हैं तो आप मॉडिफाई बटन पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स आपको अपडेट करनी है वो आप अपडेट कर दीजिएगा। रीकैलकुलेट कीजिएगा, उससे क्या होगा कि जितने भी डिटेल्स आपने यहाँ पर अभी एंटर किए हैं उससे यहाँ पर रीकैलकुलेशन हो जाएगी और आपको वापस से पूरी के पूरे डिटेल्स नज़र आ जाएंगे कि सैलरी अलाउंस डिटेल्स क्या थी उनकी और उनके डिडक्शन सैलरी के कितने थे। और ये सब आप करने के बाद देखिए यहाँ पर एक्टिवेटेड अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स का बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा और आपका डेटा सेव हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको बताया कि एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आप किस तरह से पर्सनल डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स, बैंक डिटेल्स और पे एंटाइटलमेंट के डिटेल्स को आप एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक यू।